दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आज के ताजा समाचार मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन की। दोस्तों आपको बता दें आज के मुख्य समाचार में भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है जो कि पूरे देश को जानना बेहद ही जरूरी है। साथ ही मैं आपको बता दें आज के मुख्य समाचार में आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आई है। साथ ही में मौसम विभाग की तरफ से बहुत सारे राज्यों के लिए हाई अलर्ट किया गया है, कई जगहों पर बाढ़ भी आ सकती है। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में यही सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखते रहिए। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आइए सीधे चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों आज की पहली खबर एक बहुत बड़ी खबर है जो कि सीधे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के पद से आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें करीबन राहुल गांधी ने 4 पेज का इस्तीफा दिया है और इसमें अपने दिल की बात कही है और अपना पद छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने कुछ मेन बातें कही अपने इस्तीफा में। राहुल गांधी ने कहा कि जो इस बार 2019 में हार हुई है, इस हार की जिम्मेदारी पूरी मेरी बनती है क्योंकि मैं अध्यक्ष था। साथ ही में राहुल गांधी ने कहा कि हम अगर हारे हैं तो अपनी हार के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। राहुल गांधी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि इस बार दूसरी पार्टी ही नहीं बल्कि देश का पूरा सिस्टम ही उनके खिलाफ था। लेकिन राहुल गांधी ने ये भी कहा कि वो भाजपा के गलत विचारों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। और दोस्तों बात करेंगे आज की अगले खबर, बनेगा एक नया कानून, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलेगा 70 लीटर पानी। जी हाँ दोस्तों, प्रति व्यक्ति को रोजाना 70 लीटर पानी उपलब्ध करवाने के लिए एक कानून तैयार किया जा रहा है। यानी एक आदमी को एक दिन में 70 लीटर से ज्यादा पानी नहीं मिलेगा, इसको लेकर नया कानून आने वाला है। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे 1.5 साल की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा, या दोनों ही उस पर लग सकते हैं। आपको बता दें इसकी शुरुआत राजस्थान से की गई है, हो सकता है देश के अन्य राज्यों में ये कानून जल्द ही लागू हो जाए। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो किराना स्टोर वाले शुरू कर सकेंगे बैटरी स्वैपिंग का कारोबार, हाईवे पर हर 100 किलोमीटर पर लगेंगे फास्ट चार्जिंग स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, किराना स्टोर वालों के लिए कमाई का एक और मौका आने जा रहा है। मोहल्ले के किराना स्टोर इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का काम कर सकते हैं। यानी अब आने वाले दिनों में देश में ज्यादा से ज्यादा सभी कार सभी बाइक बिजली से चलने वाली होंगी तो उनमें बैटरी होगी। अब सरकार ये चाहती है कि किराना स्टोर हर जगह होते हैं, इसीलिए किराना स्टोर वाले ये काम करें कि वो लोग बैटरी को चेंज करने का काम करें, यानी चार्ज हुआ बैटरी दे दें और लो वाला बैटरी ले लें। इनसे किराना स्टोर वालों की कमाई भी होगी। साथ ही में एक बड़े शहर में हर 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, करीबन 2700 चार्जिंग स्टेशन लगने वाले हैं एक शहर में। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो आधार केंद्र की लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा, देश भर में खुलेंगे एक्सक्लूसिव आधार सेवा केंद्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आधार सेवा केंद्र की लंबी लाइनों से परेशान है तो आपके लिए खुशखबरी है। आधार कार्ड प्रबंधन करने वाली संस्था यानी कि UIDAI ने देश भर में एक्सक्लूसिव आधार कार्ड सेवा सेंटर खोलने का फैसला लिया है। यानी अब आपको आपके घर के पास जगह जगह पर आधार सेवा केंद्र दिखने को मिल जाएंगे। आपको बता दें इसकी शुरुआत नई दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन की बिल्डिंग से हुई है, उसमें एक आधार सेंटर खोला गया है। अब आपको अपने इलाके में आधार की सभी सुविधा मिलेगी, चाहे आपको एड्रेस चेंज करवाना हो, नया बनवाना हो या कोई और दिक्कत हो। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को ना ले डिलीवरी, नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ दोस्तों, इस साल अगस्त महीने से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी अगस्त के महीने से जिन भी गाड़ियों पे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो कि सरकार की अथॉरिटी की तरफ से दी जाती है, अगर वो नहीं लगा होगा तो उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। आपको बता दें परिवहन मंत्रालय अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है, जुलाई के महीने के अंत तक यानी कि इसी महीने के अंत तक इसे अपडेट कर दिया जाएगा। डाटाबेस अपडेट होने के बाद जिन भी लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अपने गाड़ियों में नहीं लगा रखी है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर, तो बीते दिन बुधवार को नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, आम आदमी को मिली राहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लगातार काफी दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही थी, लेकिन बीते दिन पेट्रोल के दामों में कोई भी वृद्धि नहीं हुई या कोई भी कमी नहीं हुई। अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 70 रुपए 51 पैसे का मिलेगा। वहीं बात करें अगर डीजल की, तो डीजल के दामों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 64 रुपए 33 पैसे का मिलेगा। दोस्तों अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, आप उस पर क्लिक करके अपने किसी भी शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव देख सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे आज की अगले खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदी समेत 6 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी फैसले की कॉपी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर आई है जो कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। इस महीने के आखिर से सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हिंदी समेत 6 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले अंग्रेजी में आते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है,
जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आएंगे वो हिंदी में भी आएगा और साथ ही में 6 ऐसी क्षेत्रीय भाषाएं होंगी उस लैंग्वेज में भी आएगा। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो बोतल बंद और जार के पानी की होगी अब जांच, सरकार ने दे दिए हैं इसके निर्देश। जी हां, बोतल बंद पानी और जार के पानी की शुद्धता की जांच का निर्देश दे दिया गया है। निर्देश देते हुए कहा गया कि हर मंडल में एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला 6 महीने के अंदर तैयार की जाए और उसमें सभी पानियों की जांच की जाए। जो भी बोतल बंद पानी आते हैं उनकी जांच हो और जो भी पानी जार में आते हैं उनकी जांच हो। जो भी बोतल में बंद पानी खराब होते हैं उनसे लोगों की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और बहुत सारी बीमारियों का जमवाड़ा लग जाता है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर हम लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराने लगे तो करीबन आधी बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें ये सभी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। और दोस्तों बात करेंगे आज की अगले खबर की, तो 5G के लिए 3500 करोड़ रुपए का कर्ज लेंगे मुकेश अंबानी, विदेशी बैंकों से चल रही है बातचीत। जी हां दोस्तों, देश में 5G सेवाएं देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी बीच दूर संचार कंपनियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो भी 5G सेवा देने के लिए तैयारियों में जुट गई है। जियो कंपनी ने 5G सेवाएं देने के लिए और स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए और ब्रॉडबैंड के लिए फाइबर नेटवर्क बढ़ाने के लिए 3500 करोड़ रुपए कर्ज लेने की योजना बनाई है। आपको बता दें विदेशी बैंकों से मुकेश अंबानी की बातचीत चल रही है। जैसे ही उन्हें करीबन 3500 करोड़ रुपए का कर्ज मिल जाएगा तो जियो की तरफ से 5G की सेवा जियो यूजर को दी जाएगी। दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि अभी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो बरसाती पानी और बिजली बचाने के लिए इंडियन रेलवे की नई पहल, स्टेशन पर लगेंगे उल्टे छाते। जी हां, वैसे तो छाते का इस्तेमाल धूप और बारिश बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन भारतीय रेल छाते का इस्तेमाल बिजली पानी से बचने के लिए नहीं बल्कि बिजली पानी को बचाने के लिए शुरू करने जा रही है, वो भी उल्टे छाते का इस्तेमाल करके। आपको बता दें आंध्र प्रदेश के एक स्टेशन पर उल्टे छाते लगाए गए हैं। इन उल्टे छातों में ऊपर की तरफ सोलर पैनल लगे होंगे जो कि धूप से चार्ज होंगे और उनसे यात्रियों के लैपटॉप फोन वगैरह चार्ज होंगे और सारे छोटे मोटे काम होंगे। साथ ही में इसके अंदर बारिश का पानी भी सेव होगा, साथ ही में इस छाते के नीचे यात्री छाया में बैठ भी पाएंगे। तो जल्दी आपको रेलवे स्टेशनों पर उल्टे छाते देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो पूरे भारत में आज 4 जुलाई 2019 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने किया है हाई अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश तथा एक दो स्थानों पर भारी से भी ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। कई जगहों पर बाढ़ भी आने की आशंका है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश तथा एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं बात करें अगर बिहार की, उड़ीसा की, पूर्व उत्तर भारत की, पूर्वी मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, विदर्भ, तेलंगाना, उत्तरी महाराष्ट्र की और केरल के इलाकों की, तो आपको बता दें यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। इसी के साथ हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में गरजना और बिजली गिरने तथा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश भी हो सकती है, यानी दिल्ली हरियाणा में भी बारिश गरज के साथ बिजली के साथ हो सकती है। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो देखें वीडियो पानी की तेज लहरों में बहा बाइक सवार। जी हां दोस्तों, ये घटना खरगोन मध्य प्रदेश का है जहां पर एक बाइक सवार बारिश की वजह से एक नाले में उफन रहे पानी में बह गया। आपको बता दें ये नजारा बेहद ही खतरनाक था देखने में। मध्य प्रदेश में अभी जोरों शोर से बारिश हो रही है, इसी के लिए यहाँ पर कई जगहों पर बाढ़ जैसी सिचुएशन बन गई है। आपको बता दें जिस समय बाइक सवार अपनी बाइक के साथ पानी में बहने लगा उस समय का एक वीडियो है जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक सवार पानी में बहने लगा। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो अपने फोन से मात्र 2 मिनट में कीजिए ये 2 काम और मिलेगा एक शानदार स्मार्टफोन जीतने का मौका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक शानदार स्मार्टफोन जीतना चाहते हैं तो आपको बता दें अभी एक गिव अवे चल रहा है, यानी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। आपको हम इस गिव अवे का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास 2 टास्क होंगे। पहले टास्क में आपको एक चैनल सब्सक्राइब करना होगा और दूसरा टास्क पूरा करने के लिए आपको एक वेबसाइट अपने फोन या अपने कंप्यूटर के गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है। वहाँ पर एक नोटिफिकेशन का बोर्ड आएगा अलाउ करने के लिए। अगर आप उसे अलाउ कर देंगे तो आप इन
दोनों ही टास्क में हिस्सा ले लेंगे। जो भी लकी विनर होगा उन्हें एक हाईटेक और ब्यूटीफुल बहुत सारे फीचर वाला एक स्मार्टफोन मिलेगा। आपको बता दें इस कॉन्टेस्ट इस गिव अवे का रिजल्ट 15 अगस्त 2019 को आएगा, तो फटाफट से ले लीजिए भाग इस कॉन्टेस्ट। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो एक रुपए बढ़े हैं सीएनजी के दाम। बीते दिन 3 जुलाई 2019 से लागू हो गई है नई कीमतें। जी हाँ दोस्तों, सीएनजी के दामों में 90 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है। अब आपको एक किलो सीएनजी नए रेट के मुताबिक 40 रुपए 60 पैसे का मिलेगा। आपको बता दें ये बढ़ोतरी फिलहाल दिल्ली एनसीआर में की गई है, हो सकता है जल्द ही देश के अन्य राज्यों में भी सीएनजी के दाम बढ़ जाएं। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो रिलायंस जियो ने भारत में लॉन्च किया डिजिटल सेफ्टी अभियान, सभी को होगा फायदा। जी हाँ, रिलायंस जियो ने भारत में डिजिटल उड़ान नाम डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया है। जियो के इस अभियान का फायदा जियो के 30 करोड़ लोगों को मिलेगा। जियो के डिजिटल उड़ान अभियान के तहत प्रत्येक शनिवार को लोगों को जियो फोन के फीचर, तमाम तरह के एप्स को इस्तेमाल करने का तरीका, इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के टिप्स दिए जाएंगे। करीबन 10 भाषाओं में जो भी जियो यूजर हैं उनको ये सारी बातें बताई जाएंगी कि कैसे वो लोग इंटरनेट पर होने वाले धोखे से बच सकते हैं और जियो फोन में और भी जियो में क्या क्या फीचर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो महंगा हुआ सोना, चांदी के दाम भी बढ़े हैं। आइए बताते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ दोस्तों, बीते दिन बुधवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना फिर से 260 रुपए महंगा हुआ है। 260 रुपए महंगाई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 34,380 रुपए है। बात करेंगे अगर दोस्तों चांदी की, तो बीते दिन चांदी के दामों में भी 150 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और अभी आपको एक किलो चांदी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 38,650 रुपए का मिलेगा। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो आयुष्मान में नहीं तो सीएम आरोग्य योजना में मिलेगा लाभ। आपके लिए यानी कि पूरे देश के लिए जरूरी है ये खबर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री की एक योजना है जिसका नाम है जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत गरीब लोगों को फ्री में इलाज दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन आपको बता दें अब एक और योजना आई है जो के है सीएम आरोग्य योजना, यानी ये योजना सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से है और उनके नाम पर है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त में करवाया जाएगा जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों का। आप अधिक जानकारी के लिए सीएम आरोग्य योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो अब तक की सबसे कम कीमत में मिल रहा है 4G स्मार्टफोन 4GB रैम के साथ। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको हॉनर का स्मार्टफोन पसंद है तो ये खबर आपके लिए है। हॉनर 8C की कीमत में सीमित समय के लिए कटौती की गई है। आपको बता दें अभी आप हॉनर का हॉनर 8C फोन मात्र 8,999 रुपए में खरीद सकते हैं, जो कि पहले 11,999 रुपए में आता था। इसमें आपको 4GB रैम के साथ 32GB इंटरनल मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप अमेजोन पर जा सकते हैं और हॉनर 8C फोन को देख सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो इंडियन ऑयल में नौकरी करने का सपना करें पूरा, ऑनलाइन आवेदन लिंक हो गई है एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कई पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं। इंडियन ऑयल ने जूनियर इंजीनियरिंग सहायक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आप अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे जा सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो एयर इंडिया में कैबिन क्रू की भर्ती सीधे इंटरव्यू से मिलेगा जॉब, आज ही कर लीजिए अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, देश की प्रमुख एविएशन कंपनी एयर इंडिया ने कैबिन क्रू के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। एयर इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कैबिन क्रू के कुल 51 पदों पर भर्तियां होनी है। ये सभी वैकेंसी महिलाओं के लिए हैं। एयरलाइंस में कैबिन क्रू का पद बेहद ही खास होता है। कैबिन क्रू को यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखना होता है और फ्लाइट की सुरक्षा का सही से ध्यान रखना होता है। इंटरव्यू 9 जुलाई 2019 को होगा गेटवे होटल उषा रोड कालीकट में, जिसका पिन कोड है 67 30 32। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप एयर इंडिया की वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज 4 जुलाई 2019 की ये ताज़ा खबरें थी, महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम तो बस इसके बदले में आपसे इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही में अगर आप पीएम मोदी की नई नई योजनाओं को जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।